श्री विश्वंबर प्रसाद निषाद सर, माननीय सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये धन्यवाद मेरे आधा मिनट गया। आपने हमें देश के महान नेता समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भारत रत्न प्रदान करने की हेतु बोलने का मौका दिया है। मनोहर डॉक्टर लोहिया पूरे जीवन में जो है देश को आज़ाद कराने के लिए देश के जितने भी हमारे महान नेता थे उनके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ और तमाम नेताओं के साथ हमारे उन्होंने काम किया है। उन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब उन्होंने लोहिया जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर अपने हाथ से संभाली। डॉक्टर लोहिया जी के बारे में जितना भी कहें कम है। मानवर इतने दिन हो गए, इनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगातार शुरू से मांग की है और उन्होंने कहा है कि देश में समाजवाद को लाने के लिए माननीय हमारे डॉक्टर लोहिया जी ने बहुत प्रयास किया, काम किया है। वो 23 मार्च को उनकी 111वीं शताब्दी जयंती है मनोहर, तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी 111वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करे। ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।